नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, तो मैं जो टॉपिक है उसको कवर करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट में क्या करना है कि अपने फ़ोन में, सभी के फ़ोन में ये चीज़ें होती है, तो मेरे फ़ोन में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो फ़ोटो लिखा हुआ है इस तरह का आइकॉन बना हुआ है, जो ये चीज़ सभी के फ़ोन में होती है, ये फ़ोन के साथ ही आती है गूगल अकाउंट के साथ। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें क्या है दोस्तों, मैं अभी इसको फ़िलहाल अपडेट नहीं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है अपडेट करने की। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इसमें जो भी आपकी फ़ोटो वीडियो जो भी कुछ भी है, अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया है, या फिर आपका फ़ोन खो गया है, या फिर आप उसको ढूंढना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन में ही यह चीज़ होती है, आपको शायद पता नहीं रहता है, तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, इसलिए नेट बंद करना पड़ेगा। नेट बंद करके मैं इसको दोबारा खोलूँगा, क्योंकि मुझे अपडेट नहीं करना है, तो इसलिए। चलो कोई बात नहीं, वो अपडेट का ऑप्शन देगा ही। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जो भी है इसमें आपको दिख रही होंगी, जो इस तरह का मार्क दिख रहा है, ये बादल जैसे है, उसमें कुछ क्रॉस टाइप का बना हुआ है, ये सारी फ़ोटो आपको मिल जाएंगी। यानी ये फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में गुम टाइप की हैं। तो आप ऐसे करके सारी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी सारी फ़ोटोज डिलीट कर रखी है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो इसको ढूंढने के लिए आप यहाँ पे जो सिंपली बीच में आइकॉन दिख रहा है फ़ोटो का, ये फ़ोटो का, इस पर आप क्लिक करना है, तो ये सारी दिख जाएंगे। अगर एल्बम चाहिए तो एल्बम में क्लिक करके आप एक एक करके ढूँढ सकते हैं, जैसे कि शेयर का, व्हाट्सअप का, पीपल प्लेस, जो भी अलग अलग कैटेगरी में आपने सेव किया हुआ होगा, ये देखिए वीडियोज़ वगैरह, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसको अगर यहाँ से भी आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, इसके लिए भी आपको ये तरीका करना होगा। यहाँ पे जो थ्री डॉट ऊपर दिख रहा है, ये थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं पहले कोई भी, या मैंने तो एल्बम सेलेक्ट कर लिया है। एल्बम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस फ़ोटो को हटाना है, चलिए मैं इस वीडियो को हटा देता हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को मुझे हटाना है, तो इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक कर दिया है, और क्रिएट का जो ऑप्शन है उसको मैंने क्लिक कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने नेट बंद कर रखा है, तो आप इसको, ये मेरा फ़ोन अपडेट मांग रहा है इसलिए आगे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो नेट ऑन करके आप अपडेट करके इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, कि जब यहाँ से भी आप हटाते हैं तो ये भी इतना जल्दी नहीं हटता है, ये भी, ये जो इस साइड लेफ्ट साइड थ्री डॉट दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेस, ट्रेस करके जो ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी डिलीट किया हुआ फ़ोटोज़ वगैरह है यहाँ पर रहता है प्रेजेंट, वहाँ से भी हट जाएगा लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। यहाँ से आप परमानेंटली इसको डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से प्रेस करके रखेंगे, इस तरह से थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे, फिर से देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो वहाँ से परमानेंटली एकदम हमेशा के लिए हटा सकते हैं, और चाहें तो वापस अपने वीडियो में या गैलरी में वापस ले सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।